पाक जो इंसान पढ़ा करता है, मर्तबा उसका दो आलम में बढ़ा करता है। कुरान पढ़ने से जाहिर ये साफ होता है, दरूद पाक तो अल्लाह भी पढ़ा करता है। दोनों जहां की पाओगे तुम
आदमी दरूद को बिरदे ज़बा करे, उस आदमी पे होती है अल्लाह की रहमतें। पढ़ो दरूद। बाजार से मछली खरीद कर खुश होता हुआ पहुंचा वो अपने मकान पर, मछली को पकाने का इरादा किया उसने और आग के चूल्हे पे उसे रख दिया उसने, लेकिन न असर उस आग का मछली पे ना आया, जैसा रखा था मछली को बस वैसा ही पाया। फिर उसने तेज आग उस चूल्हे में जलाई, मछली पकेगी जल्दी फिर आग लगाई, मछली को कच्चा देखा तो फिर गुस्सा बढ़ गया, तीन रोज तक मछली को पकाया फिर भी ना वो पकी तो उसे फिक्र ने खाया। उस शख्स ने ये फैसला फिर दिल में कर लिया, मछली को साथ लेके नबी के वो घर गया और मुस्तफा के सामने मछली को रख दिया, जो माजरा था मुस्तफा से साफ कह दिया। प्यारी नबी ने मछली को देखा तो ये कहा, ऐ मछली तू बता कि ये क्या माजरा हुआ। कर दी जबान मछली को अल्लाह ने अता, उसने दुरूद पाक पहाड़ी कहा, शख्स ने दरूद को जब तक वहां पढ़ा, मैंने दरूद पढ़ा।
बात बड़े बार से सुना। बरकत है ये दूध की मुझको है ये खबर, बस इसलिए ही आज का मुझ पर नहीं असर। प्यारे नबी दरूद को मछली से सुनते थे और पास में अली थे नबी उनसे कहते थे। सुन लो अली दरूद में है कितनी बरकतें, और है दरूद पाक में अल्लाह की रहमतें। जो पढ़ता है दरूद वो जन्नत में जाएगा। दोनों जहां की मोमिनों बरकत दुरूद है। देखो खुदा पाक की रहमत दुरूद है। करुदी नबी ने अब तो फजीलत आया दुरूद, हम भी करेंगे आज से बिरते ज़बा दुरूद। सुन कर दुरूद बच गई मछली उस आग से, पढ़ कर दुरूद हम बचे दोज़ख की आग से। कलाम है ये हदीस पाक नबी का कलाम है, जो भी पढ़े दरूद से दोज़ख हराम है। पढ़ो दरूद।